निराला टीम में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। मैं राशिद निराला हाजिर हो चुका हूँ एक और वीडियो के साथ। सुनहरा हल्का के गांव अजीजपुर में है इस वक्त। यहाँ पर अभी कुछ लोग एकत्रित हुए हैं, उनसे जानेंगे क्या माहौल है इस बार चुनाव को लेकर, क्या कुछ उनके मुद्दे रहने वाले हैं। तो चलिए एक एक बात करेंगे। हाँ जी अंकल जी, क्या नाम है आपका? लालचंद भाई। लालचंद जी, तो कैसा है माहौल की बार? क्या कल कोई दिक्कत हो बेटे? मनु कहा है मेरा काम करा तो मन दिक्कत आवा। हाँ आप भाई यो काम करो, पार्टी के प्रतिनिधि तो गांव की तरफ से आप ही हो ना, तो आपसे ही पूछेंगे लोग क्योंकि आप मास्टर तोड़ी थे हम छोटे जी। मेरे बटवा वर्कर कोई नहीं है यहाँ बीजेपी का, सारे गांव ने पूछ लिए और पार्टी करिए था किसी के। अच्छा, तो पार्टी ने आपकी पूछ नहीं की? ना जी, हम नहीं पता पार्टी का क्या कार्यकारिणी, क्या मंडल, कौन मंडल देख सकते। तो क्या उम्मीदें थी आपको जब आपने पहली बार पार्टी को यहाँ से वोट डलवाए और उसके बाद दोबारा आप बताए? पता क्या, सारा गांव जाना मेरे पास 3 किलो जमीन के थे, मैं 1.5 किलो जमीन का बेचा नहीं पाता था, 1.5 किलो जमीन का बेचा बेचते पार्टी कर का बेचा। अच्छा, बच्चा नसदार हुआ। अच्छा, पार्टी के चक्कर में आपने अपने 1.5 किलो जमीन, 1.5 किलो जमीन का बेचा मैं डाल देना रोते जाना वहां जाना, हम बोले थे मेरे बाप थे। तो अब की बार किसको वोट डाल रहे हो भाई? असली बताऊ मैं तुम, जिमीदार का मजदूर का अगदार तो देवीलाल है, ये दूसरी ने मारा पूछो दिया बने रहा जाट में मारा छोकरा ने जाट का देख रहे कहीं मरे उड़े रहे कहा मारा छोकरा मम्मन राजनीति का पता नहीं पसंद था कि ना वे छोकरों आ कहीं भाई यो बस चल लेंगे हम तो बोलता अब ऐसे डाल लेगा वोट दोगे आप तो आज उन्हीं का प्रोग्राम जी। एक सीट थी हमारे इस्तीफा दे गया जिम्मेदार में दुना गेल रहा और डिपार्ट में बेटे अपने बेटे कर का करवाई मैं करूँ था। राजकुमार जी, राजकुमार जी, तो मेरा बेटा क्या माहौल है इस बार? देखेंगे अभी कैसा कैंडिडेट उतारेंगे आगा, पूछता तो कोई है नहीं। जैसे अंकल जी ने बताया कि 386 वोटें आपने बीजेपी को दी थी पिछली बार, दूसरे नंबर पर है हमारा कागज में लिखी होंगी आई। तो फिर अब की बार बदलाव चाहते हो या? देखेंगे आदमी के देखेंगे पहले जांच का फिर ही पाऊंगा, देख रहे सारे नो जौना ठीक होगा उसकी पाऊं जी। अब अशोक कुमार जी, अशोक कुमार जी, तो एक तरफा ही चलेगा गांव या बंट कर चलेगा? बस हमारा गांव तो एक तरफा चला जिंगा भी जाएगा। अच्छा, अभी तय किया या नहीं किया? नहीं भी कोई तय नहीं है, ये भी कोई माहौल नहीं है जीते, अभी कोई माहौल नहीं है। तो वैसे क्या चांस लग रहे हैं आपको इस बार, जैसे इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन नेशनल? बस बीजेपी का रहो एक ही मुद्दा जी, और कोई भी है मतलब बीजेपी के खिलाफ मुद्दा? हाँ जी, बस बीजेपी के खिलाफ। बेरोजगारी भी एक बड़ा मुद्दा है, क्या कुछ कहना चाहिए? बेरोजगारी का मुद्दा बहुत मुद्दे हैं, जिस दिन की बीजेपी आई मुद्दे देते हैं किसान के, मजदूर के, व्यापारी के, दुकानदार के, अरे किसी का मुद्दा ही। हाँ, युवा बेरोजगार फिर नशा बढ़ गया, गांव गांव में नशा बिक रहा। लेकिन उसके बाद भी कई भाजपा कहती है कि 400 पार कर रहे हैं इस बार जो एनडीए गठबंधन है, आपको क्या लगता है क्या किस तरह से वो 400 पार कर सकते हैं? उनके कहने से क्या बना, फिर तो जनता खड़ी, जनता ने करना है। हाँ, ये तो किसी के हाथ में नहीं है, तो लोगों के हाथ में। देखो जी, मैं तो अब चल लेगा पक्का, मैं तो शुरू से हूँ 30-32 साल से, बाकी गांव भी चटाला साहब का गढ़ था, ये भी इनकी आगे देखो क्या मर्जी है, सलाह बने रहे सारे। आज यहाँ पे जो इनेलो का प्रोग्राम है उसमें यहाँ पर लोग एकत्रित भी हो रहे हैं, तो क्या लगता है सभी लोग इनेलो के पक्ष में है या? ये तो पहले से ही इनेलो के थे सारे, ये तो गढ़ इनेलो का था गांव, पहले ही इनेलो का था, ये आगे देखो अभी कर रहे सलाह सारे। यूनियन के एक नेता भी है जी, क्या लग रहा है इस बार चुनाव को लेकर, क्या हवा है, क्या माहौल है? इसकी बार तो जी पलटा है पब्लिक, बीजेपी रानी जी। अच्छा, तो ये आपने ठान ली इस बार? हाँ ठान ली। अच्छा, कहीं प्रोग्राम नहीं होने? ऐसा क्या कारण है कि बीजेपी को हराने की इस बार साल हो गए जी, बस चुप ही दे रहे। अच्छा, ना कोई काम कर रहे, किसान परेशान करके बीज मेला ना मिल रहे, खाद मेला ना मिल रहे, कागजी कागजी नहीं पूरे रहे। 15 लाख तो जी 5 किलो राहन पर रुक गया बस। अच्छा, हाँ, ना रोजगार रहा है, ना शिक्षा, ना स्वास्थ्य, कुछ नहीं, बस 5 किलो राशन हर कावड़ा तिलक मिलता रहा गा, जो भी शान कर रहे पब्लिक के ऊपर। और इस बार कांग्रेस पार्टी ने भी अपने घोषणा पत्र में 1 लाख रुपए महिलाओं को एक साल हर साल देने का घोषणा में कुछ लिखा तो है जी, बीजेपी ने तो कुछ भी लिखा जी,
पहला झूठ सच लिख तो दिया 15 लाख जो भी लिखे थे इवे सिलेंडर दे दिए मैं भरवाई नहीं जा रहा वा पब्लिक पब्लिक भरवाई नहीं जा रहे वे इकड़ी तरह एक बार गैस फूक ली या तो उनका समाधान करा भाई आए मेरा सामने एक सिलेंडर फ्री मिला गा ये बताओ का क्या फायदा हो रहा 5 किलो राहन पट गैर गए हाँ अरे वो बिनो कह रहे उन्हें तिलक मिलता रहा गा जो हमारी सरकार रहेगी कहा ये कहो पब्लिक मान नाराज गया है जी बदलाव जा रहे तो ये किस बेस पर कहते हैं कि इस बार 400 पार हम कर रहे हैं 400 जी कुर्सियां बेचने लगा आपको क्या लगता है ये कितनी सीट ला पाएंगे ऐसा जी शायद वो क्लियर कर दे और हमारा तो पक्की है जी हरियाणा में मतदान बस 10 मत हमारी शायद तो पक्की है जी दो बार इनका मान लो पैंच पकड़ रहा अब दो इनकी क्लियर बता रहे पक्की वहां भी पलटी लगा के मेरी 4 महीने 60 साल की उम्र है जी मैं वो चौदह अपने सारे लोगों का ऑनलाइन हो रही पेंशन नहीं मिल रही आपको वो तो कानून है चाहे मेरे पास 20 लाख महीने का बट रहे लेकिन अब तो सरकार ने रूल कर दिया था कि जिसकी ज्यादा इनकम है फैमिली जी वो चौदह ना बनाओ मरा वो चौदह बन रहा मेरी 4 महीने होगी 60 साल की उम्र मेरी पिल्सन मिला देता 2000 तेरे पैदो का पियूंगा मैं पिल्सन लाई थी ना बड़ा पिल्सन या विधवा पिल्सन इसमें इनकम के चक्कर में लाई थी कहाँ चीन है बच्चे इसमें तो जो लाई थी भी 60 साल का हो जाएगा तो पिल्सन का पिल्सन रहा है मामा ने कुछ दिया ये बुजुर्गों के एक बुढ़ापे में एक सहारा देने के लिए बनाई गई है इनकम का कोई चक्कर नहीं है ये प्रमाण के नहीं हुआ सरकार जोर दे रही है तू वादे क्यों नहीं करा भाई मां 60 साल का मैं सपोर्ट तो जो कैंडिडेट बढ़िया आएगा उसकी सपोर्ट करूंगा जी ठीक है जी बीजेपी भी साथ नहीं हूँ बीजेपी साहब मन तो उतारिया रही है मैं उसके साथ बिल्कुल नहीं हूँ तो माहौल क्या है ये माहौल पब्लिक बताएगी जी नहीं आप भी तो पब्लिक से नहीं आप पब्लिक के साथ है मैं पब्लिक के साथ जुड़े हूँ तो ये तो पब्लिक करेगी उसका तो मैं बीजेपी के साथ नहीं हूँ अब के बस पहले आप बीजेपी को वोट करते थे हाँ बहुत करी है जी बहुत करी है उन्हें मारा कुछ भी नहीं वजह रही कि आप बीजेपी को उन्हें मारा कुछ नहीं किया जी रास्ते बंद कर दिए डीटी रोड बंद कर दिए अब क्या होगा उसका जी छब्बू बॉर्डर बंद पड़ा खनौरी बॉर्डर बंद पड़ा लेकिन वो तो आपसे तो दूर पड़ता है ना यहाँ नहीं दूर क्या पड़ता है घूम के तो मनु जाना पड़ता है नहीं है सारी पब्लिक जाती है पेट्रोल डीजल तुम्हारे लगता है पेट्रोल डीजल के तो पैसे देते हैं लेकिन करोड़ा पे जाना पड़ता है लाइन ही टूट दी अच्छा क्या कारण है कि किसानों को दिल्ली नहीं जाने देती सर हाँ क्या कारण है यार तो मोदी ने पता क्या कारण है एमएसपी की बात थी उसकी गारंटी कोई नहीं ले रहा ना कांग्रेस ले रही सरदार जी क्या वजह है कि जब से बीजेपी सरकार आई हरियाणा में तब से ही किसान ज्यादा किसानों को मार दिया किसानों को तो किसानों को मार दिया इसने बीजेपी ने अच्छा अब बीजेपी कह रही 400 पार तो 400 पार करके दिखाए तो तीसरी बार फिर मोदी सरकार हाँ मोदी सरकार में अपने घर में नहीं हो अब की बार क्या लग रहा है आपको हो जाएंगे 400 पार मत मिलेंगे इसका आप देख रहे थे निराला टीम आपके साथ राशिद निराला धन्यवाद।